हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल होम ब्यूटी एंड क्राफ्ट। इज अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। और चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अगर आपके पास भी कोई पुराने इस तरीके के कट पीस वगैरह बचे हैं तो आप उसका इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं और बना सकते हैं अपने लिए यूज़फुल चीज़। तो सबसे पहले हमें इसकी स्ट्रिप्स कट करनी है। तो यहाँ पर मैंने एक कट पीस लिया हुआ है तो हम इसकी स्ट्रिप कट करेंगे और हमें 2 इंच की लगभग स्ट्रिप को कट करना है। ज़्यादा चौड़ी हमें स्ट्रिप नहीं कट करनी है। तो यहाँ से हम कट करेंगे और इसी कलर के कलर कॉम्बिनेशन में हम कई सारे या तो फिर 2 कलर में आप कपड़े को फैब्रिक को ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 कलर ये लगाया है और दूसरा कलर भी मैं इसी तरीके से पतली स्ट्रिप कट करूँगी तो इसको भी मैं हाफ कर दूँगी। और यहाँ से हम इसको भी कट करेंगे। तो इसी तरीके से मैंने एक और कलर लिया हुआ है फैब्रिक का तो उसको भी हम कट करेंगे। और उसकी भी हम पतली स्ट्रिप्स कट करेंगे। तो इस तरीके से पतली पतली स्ट्रिप्स हम कट करेंगे और इसमें से भी हम अभी हाफ कर देंगे ग्रीन वाले में से भी। और ये मैंने पतली पतली स्ट्रिप्स कट कर ली है और इसके बाद हम इसके छोटे छोटे पार्ट्स करेंगे। तो 2 पार्टीशन में हम इसको कट करेंगे और इसी साइज़ के हम ग्रीन वाले भी पार्ट को कट करेंगे। तो ये देखिए, इसी साइज़ में हम ग्रीन वाले पार्ट को भी कट करेंगे और बराबर करेंगे। और अच्छे से हम इसको भी ऊपर से बराबर कर लेंगे। और यहाँ से हम इस तरीके से इस एक ही साइज़ की स्ट्रिप्स कट कर लेंगे छोटी। थोड़ा सा इसको साइज़ में हम छोटा कर लेंगे और फिर उसके बाद हम सारे स्ट्रिप्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो कॉर्नर से हमें एक स्ट्रिप्स को ज्वाइन करना है और डबल शेड में हमें इसे रखना है। तो यहाँ से हम इसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ से हम स्टिचिंग लगा देंगे और फिर उसके बाद एक और ग्रीन साइड, यहाँ इस साइड में हम ग्रीन लगाएंगे, फिर पिंक लगाएंगे। इस तरीके से हम इसकी स्ट्रिप बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक ज्वाइन कर लिया है और इसी तरीके से सारी ज्वाइंट्स करके हमें एक दूसरे में स्टिच कर देना है। तो इस तरीके से हम अपोजिट साइड से इसको लगाएंगे और इसको भी हम इसमें ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने अच्छे से इसकी स्ट्रिप्स तैयार कर ली है और यहाँ पे मैंने सारे स्ट्रिप्स को स्टिच कर दिया है। और इसके बाद अब हम इसको लेंगे और आप चाहे जितनी लंबी बना सकते हैं। और अब हम यहाँ पे एक डोरी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये डोरी आपको ईज़िली मार्केट में 2 या 3 रुपये पीस मिल जाएगी। तो इस तरीके से 3 रुपये मीटर से मिलेगी ये। तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं और आप चाहे तो कोई भी वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तो फिर प्लास्टिक डोरी का भी आती है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और मोटे वायर का भी आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस स्ट्रिप को हमें इसमें लपेटना है और यहाँ पे हम इसको अच्छे से कवर करेंगे और फिर एक कॉर्नर से हमें इसको फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें सुई लगा देनी है। सुई में धागा डालकर हमें यहाँ पे इसको स्टिप कर देना है। आप चाहे तो ग्लू से भी इसे स्टिक कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। तो यहाँ से हम इसमें सुई में धागा लेंगे और यहाँ से हमें इसको फोल्ड करना है
और फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पे इसकी स्टिचिंग करते जाना है। आप उल्टे साइड से इसकी स्टिचिंग करते जाएं। और इस तरीके से इसको हम टाइट करते जाएंगे और इसकी स्टिचिंग हम यहाँ पे करते जाएंगे। तो इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें सबको अच्छे से स्टिच करना है। ये देखिए यहाँ से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे और इसकी स्ट्रिप हम अच्छे से इसको कवर करेंगे स्ट्रिप्स को, और हम इसको यहाँ से राउंड करते जाएंगे और यहाँ पे हम इसकी स्टिचिंग लगाते जाएंगे। तो आप जितना बड़ा भी चाहे इसी तरीके से, इसी मेथड से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको बनाना स्टार्ट करूँगी, फिर से हम इसमें स्टिचिंग लगाएंगे और इसको कवर करते हुए हम यहाँ से इसको राउंड करते जाएंगे। और यहाँ से हम इसमें अच्छे से सुई टाइटली निकालेंगे और ये इस तरीके से राउंड होता जाएगा। आप चाहे तो पहले ग्लू से एक बार इसको अच्छे से स्टिक भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप इसकी स्टिचिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक आधा से ज़्यादा राउंड कर दिया है और इसके बाद हम यहाँ से इसको स्टॉप कर देंगे। और यहाँ पे स्टॉप करने के बाद से हम ये वाली जो डोरी है एक राउंड इसका चलाएँगे और यहाँ से हम इसको अंडरलाइन कर देंगे। तो इस तरीके से ये अंडरलाइन हो जाएगा और ये इस तरीके का कुछ दिखेगा। तो और यहाँ से हम इसको फिर से इसमें अच्छे से सुई की मदद से ज्वाइंट कर देंगे इसको भी, और यहाँ से हम इसमें भी स्टिचिंग लगा देंगे। तो गाइस यहाँ पे हम इसको लास्ट में एंड में निकाल देंगे, धागे को अच्छे से उल्टा करेंगे हम कोस्टर को और यहाँ से हम इसको इसमें लगा देंगे। तो यहाँ से मैंने इसकी अच्छे से स्टिचिंग कर दी है टाइटली और यहाँ पे हम इसको एंड कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे यहाँ से। तो ये बन के बिल्कुल रेडी हो गया है और अब हम इसको कट कर लेंगे। तो इसकी स्टिचिंग आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग करें जिसकी वजह से ये अच्छे से इसमें एक दूसरे में स्टिक रहेगा। और आप चाहे तो पीछे से ग्लू भी लगा सकते हैं इसके, जिससे कि ये अच्छे से बिल्कुल सेट रहेगा और ये निकलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। और यहाँ से हम इसको एंड करके अच्छे से ज्वाइंट कर देंगे और अब हम धागे को कट कर लेंगे। इसको बिल्कुल हाथ से आप बराबर करते रहें जिससे कि ये इस तरीके से एक एक सपोर्ट में आएगा और बिल्कुल बराबर रहेगा। तो ये बनकर रेडी हो गया है और इस तरीके से आप काफ़ी इजीली इसको बना सकते हैं। और यहाँ से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो गाइज़ ये बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। आप कोई भी पुराने कपड़े की मदद से और या कट पीस से आप इसको बना सकते हैं और इस तरीके के पीसेज आप कई सारे तैयार कर सकते हैं और बिल्कुल कम टाइम में ये बनकर रेडी हो जाएगा। और इसको बनाने के लिए बिल्कुल इजी मेथड मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो ये बहुत इजीली बना सकते हैं और अपने टेबल पे या डाइनिंग टेबल पे इस तरीके से बनाकर रख सकते हैं और काफ़ी बड़ा भी बना सकते हैं खाने के लिए भी। फिर यहाँ पे मैंने ये बनाया हुआ है कप को रखने के लिए नीचे, या आप इसको ऊपर की ओर भी रख सकते हैं। अगर आपके कप में कुछ है तो आप इसको इस तरीके से कवर भी कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है ये देखने में और इस तरीके से कवर कर सकते हैं। तो गाइज़ ये वाली वीडियो पसंद आई होगी और तो 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मैं मिलूँगी और भी अच्छी वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।
गाइज़ यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि न्यू नेचुरल कॉटन नॉन इरिटेटिंग एवरटीन का पैंटी लाइनर जो कि 100% कॉटन है, तो अगर आप पैंटी लाइनर यूज़ करते हैं तो आप ज़रूर एक बार एवरटीन का पैंटी लाइनर यूज़ करके देखें, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल नहीं है और ये एंटी बैक्टीरियल है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाके इसे बाय कर सकते हैं।